बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं हूं अंजम मनीर चौधरी और आप देख रहे हैं अंजम फूड कॉर्नर। आज की मेरी रेसिपी है कद्दू का रायता। हमेशा की तरह आज की अच्छी हदीस, अपने करीबुल मरग लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने की तलकीन करो। ये एक कद्दू है मेरे पास मीडियम साइज़ का, इसको मैंने क्रश कर लिया था। अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। आधा गिलास पानी का मैं शामिल करती हूँ पैन में। अब ये कद्दू इसमें शामिल करके तो इसको थोड़ी देर के लिए पकाना है, ताकि ये कद्दू जो है वो थोड़ा नरम और टेंडर हो जाए। मीडियम आंच के ऊपर इसको मैंने पकाना है। अब जस्ट इसको 4-5 मिनट के लिए हम पकाते हैं। ये कद्दू हमारा पक कर तैयार हो गया। पानी इसका सारा खुशक कर लेना है। अब पानी इसका खुशक हो गया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। लाइक और शेयर करें और अच्छा सा कमेंट्स दें। अब कद्दू को मैं इसमें बाउल में डालती हूँ। थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसमें बाकी इंग्रेडिएंट जाएंगे। अब कद्दू हमारा ठंडा हो गया है। इसमें शामिल करती हूँ दही। ये मेरे पास है आधा किलो दही। ये बहुत ही अच्छी किस्म का दही है, ये मैंने खुद ही घर में तैयार किया हुआ। माशाल्लाह से इसकी थिकनेस देखें। इसी तरह का आपको दही चाहिए। दही अच्छा होगा तो आपका रायता जो है वो मज़ेदार बनेगा। अब इसको बीटर की मदद से बीट कर लेना है, ताकि ये प्लेन हो जाए। बहुत ही मज़ेदार रायता बनकर तैयार होगा। अब मैंने शामिल किया कद्दू के अंदर दही। दही शामिल करने के बाद अब इसमें कुटी हुई ग्रीन मिर्च 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून वाइट नमक। ये नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये 2 टेबलस्पून जो थे वो टमाटर, उनको मैंने ब्रीक कटिंग में काटा हुआ था, वो शामिल किए। अब एक मीडियम साइज़ की प्याज। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। ये मेरे पास है सब्ज़ धनिया और पुदीना, ये मिक्स करके मैंने काटा हुआ। आधा मैं इधर इस्तेमाल करूँगी और जो आधा है वो गार्निशिंग के लिए रख लूँगी। ये पुदीने, फ्रेश पुदीने की बहुत ही अच्छी खुशबू आती है रायते में से। ये गर्मियों में ख़ासकर दोपहर को रोटी के साथ, चावल के साथ आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है दोपहर की गर्मियों में। अब हमारा रायता तैयार हो गया है, इसको मैं सर्विंग बाउल में डालती हूँ। अभी इसको घर में ट्राई करें, खुद खाएं, बच्चों को खिलाएं, मेहमानों को पेश करें। माशाल्लाह से सर्विंग के लिए अब हमारा रायता तैयार है। अब इसकी मैं गार्निशिंग करती हूँ पुदीने के पत्तों के साथ। अल्लाह मेरे और आपके रिज़क में इजाफ़ा फरमाए, दुआओं में याद रखें हमेशा। अब ये सर्विंग के लिए तैयार है, खुद खाएं, बच्चों को खिलाएं। ओके, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।